Yes, yes, Nag sir. Yes, I can understand. Yes, sir. I know. सब जगह यही हाल है. अच्छा कम से कम पार्ट पेमेंट तो करवा दीजिए, बैलेंस बाद में देख लेंगे. नायक साहब अपनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना सर जी. सर आई प्रॉमिस अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं होगी. आप बात करके तो देखिए. आई ट्रस्ट योर पर्सुएसिव स्किल्स. आप करेंगे तो हो जाएगा. जी हाँ जी हाँ. हाँ अभी आया, बस अभी पहुंचा ही हूँ घर एयरपोर्ट से. ओके ओके. थैंक यू सर जी. अरे जरा मेरा सूट निकाल देना, नीलेश की पार्टी में जाना है. हाँ वो ग्रे वाला ड्राइक्लीन से आया है ना. हाँ अच्छा वो अल्फा केमिकल्स का कंसाइनमेंट निकल गया ना. That I don't understand your fixation about looking young all the time. I should have expected this. Fixation. Do you understand me? I was joking, okay? Joking. तुम भी कहीं बाहर जा रही हो? निलेश ने मुझे भी पार्टी में इनवाइट किया है, पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैंने कुछ कहा? I'll stay back. मैंने कुछ कहा? क्या यार 15 दिन बाद घर वापस आए हो और तुम वही okay? तो मैं कह रही हूँ 15 दिन के बाद घर आयो एंड यू डोंट हैव 15 मिनट्स फॉर योर वाइफ. 7 साल से ये तमाशा. प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन. मुझे रास्ते में डॉक्टर के पास भी जाना है. अगर तुम्हें चलना है तो चलो, अदरवाइज प्लीज डोंट स्पॉइल माय मूड. I always thought life is an expression. An expression of celebrating yourself. An expression of acceptance and companionship. But I never thought it would be a compulsion. An entire act of just carrying on. Without any acknowledgement. Somewhere, I lost my expression. Life is tough, doctor, and only the tough gets going. My priority in life is my business, and I work really hard on it. But that doesn't mean that I don't indulge. I also like to have fun. After all, I am a man. I need to express myself. Main you know business trips par bahar rehta hu. So you know, kabhi kabhi I also like to have fun. But mujhe isme kuch bhi galat nahi lagta. After all, if you fulfill your responsibilities, then what's the bloody problem? Aaj tumhe ghar diya. अपना नाम दिया, सारी फैसिलिटीज हैं तुम्हारे पास, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, देन व्हाई कंप्लेन? या डॉक्टर मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज इट दैट शी रियली वांट्स. यार आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड आई हैव माय प्रायोरिटीज इन लाइफ. और अगर इससे भी किसी को प्रॉब्लम है तो सो बीट. व्हाट कैन आई डू? व्हाट डू यू से? वेल ये तो यार तुम्हारी अपनी फिलॉसफी है, इसके बारे में मैं भला क्या कह सकता हूँ. So everything's fine? हाँ अभी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है. हाँ. और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा. ठीक है तो फिर चलूं? हाँ प्रीति क्या नीचे गाड़ी में इंतजार कर रही है? हाँ यार बाहर. ठीक है I'll see you then. Okay. Thanks. Bye bye.
बॉस आई बिलीव इन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. अब यही करने दो, ऊपर वाले ने हमें भेजा है और इसीलिए जवानी दी है. टू एंजॉय एंजॉय एवरी बिट ऑफ. अब देख आई एम अ मॉडल, चल मान लिया स्ट्रगलिंग मॉडल हूँ, लेकिन जवान हूँ, गुड लुकिंग हूँ, सेक्सी भी हूँ. आई शुड यूज इट. क्यों? जवानी जिंदगी का एक्सप्रेशन है दोस्त. एंड माय एक्सप्रेशन वुमेन 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 एंड वुमेन. आई जस्ट लव लविंग देम एज मेनी ऑफ देम. अच्छा तो आज यहाँ अकेले कैसे हुई? आज किसे दिखाएगा अपनी जवानी का एक्सप्रेशन? अभी तो शाम शुरू हुई है मेरी जान, कोई तो मिलेगी जो अपनी जिंदगी का एक्सप्रेशन ढूंढ रही हो. जॉन, जॉनी वन लार्ज बगाड़ी विद लेमनेड. अगर टैलेंट है तो काम करना चाहिए ना. क्यों कमल? Yeah, it's up to her. I don't mind. उधर क्या है? Private lounge? Yeah, that's a separate enclosure for private parties. अच्छा. आज देशमुख आया हुआ है अपनी टीम के साथ. देशमुख? हाँ यार वही. अरे यार बड़े काम का आदमी है. चल मिल के आते. चल ना. चलो. प्रीति, you make yourself comfortable. हाँ. We'll just come. Can I have the pleasure of dancing with the most graceful lady on the floor? Hi, Ranjan. Sorry if it sounded like a pickup line, but I really meant it. It did sound like a pickup line. But it's okay. I don't mind. Sorry to say, but you remind me of the term lady. A female in its most complete form. You seem to be pretty good at flattering. वो तो बस आपको देखकर लाइंस खुद ब खुद बन गई. सो हाउ कैन आई आस्क दिस लेडी फॉर डांस? मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ. शायद मेरी किस्मत में इतना ही लक था. सम अदर टाइम शायद यहीं पर. बाय. सॉरी प्रीति, देयर इज अ सिचुएशन. These guys are moving to a different destination. Koi yacht party. Mujhe bhi invite kiya. Deshmukh is an important guy. Can't say no to him. Tum aisa karo, gaadi rakh lo. Driver tumhe ghar chhod dega. Main Deshmukh ke saath chala jaunga. I'll be back by early morning. Theek hai? Tum gaadi le jao. I'll manage. Arre maine kaha na main Deshmukh ke saath chala jaunga. I don't need it. Are you sure? Maine kaha na I'll manage. हाँ, I don't need it. आ रहा हूँ. All right. Take care. Have fun. I will. What? I'll have fun. क्यों? I can't have fun without you. No, it's fine. Bye. Take care. One vodka, please. Make it large. Have it with lemonade. It tastes better. Can't believe my luck. वैसे होने आने में टाइम लगेगा.
क्यों जाना चाहते हो? वैसे ही बट I'm sorry if I'm being too personal. It's okay. Do you want to dance? Of course. My good luck. After you. बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ना नहीं ऐसा क्यों लगता है कि यू होल्ड योरसेल्फ टू मच? क्या मतलब? मतलब किस चेहरे के पीछे कोई है? बंदर किसी एक कोने में छुपा बैठा है, शायद बाहर आना ही नहीं चाहता। पर अगर उसे बाहर आने में टाइम लगता हो तो देखकर अवे किसी ऐसी जगह जहां पर कोई भीड़ ना, जहां वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, अपने अंधेरे कोने से बाहर निकल सके। आई कैन हियर योर साइलेंस, कम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ। वहां पे कैसे हो? ठीक हूँ। प्रीति क्या हुआ है, क्या बात है? यू लुक पेल एंड टायर्ड, फोन पर भी तुम टेंस। इज एवरीथिंग ओके? सॉरी, मैटर ऑफ हैबिट यार, मैं सवाल पे सवाल किया जा रहा हूँ। तुम बोलो क्यों बुलाया? कॉफी पियोगे एडविन? नहीं प्रीति, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं तुम्हारे कॉलेज के दोनों का दोस्त हूँ यार, बिंदास हो के बोलो ना। और वो कमल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा आज? कमल इज लेफ्ट मी एडविन। व्हाट? वी आर सेपरेटेड। कब? आई मीन व्हाई? क्यों हुआ ये तो कहना मुश्किल है, पर ऐसा होना था ये मुझे बहुत पहले से पता था। शादी के एक ही साल में ये एहसास तो हो गया था दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक। फॉर हिम मैरिज वाज जस्ट अ फेज एंड फॉर मी इट वाज लाइफ। ही ऑलवेज हैड दिस बिग ड्रीम्स एम्बिशंस एंड फॉर मी इट वाज ऑलवेज द मोमेंट। बस बोझ की तरह इस रिश्ते को ढो रहे थे। सोचा था बच्चा हो जाएगा तो हम दोनों को इस रिश्ते का मकसद मिल जाएगा। But then I was told that I could never conceive. And life just went on. फिर what happened? कुछ महीनों पहले I met this guy at a pub. I don't know why. For a moment, I felt very happy. मुझे लगा मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ।
and then I gave in. This went on for a couple of months. But then this guy turned out to be fake. उसने सिर्फ मेरे खालीपन का फायदा उठाया और एक दिन कमल को सब कुछ पता चल गया एंड हियर आई एम. फिर आगे क्या सोचा? मैं कुछ देखो शायद ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है ये सब बातें करने के लिए, बट आई हैव मिस्ड सो मेनी अप्रोप्रिएट टाइम्स बिफोर. मेरा मतलब है तुम अकेले सारी जिंदगी अब कैसे, मत तुम्हें किसी के साथ तो. कैन आई आस्क फॉर कंपेनियनशिप प्रीति? सी डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे प्लीज गलत मत समझना. एक्चुअली कई सालों से, इनफैक्ट कॉलेज के दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता था पर कभी कर नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई. कभी अपनी जिम्मेदारियों में फंसकर, कभी ये सोचकर कि तुम मना ना कर दो एंड आई लूज यू एज अ फ्रेंड, मैं कभी बोल नहीं पाया. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एडविन, यू डोंट हैव टू बी अपोलोजेटिक अबाउट योर फीलिंग्स, मगर अब नहीं, इट्स टू लेट. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. I really respect you as a friend. Yeah, but lekin meri baat. Please, Edwin. Don't force me. Okay. ठीक है. पर एक दोस्त होने के नाते, what can I do? Do you need some money? तुम्हें. कमल ने मुझे ये घर कल तक खाली करने के लिए कहा है. जब तक दूसरा arrangement नहीं हो जाता. मैं तुम्हारे मर्द वाले घर में रह सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स यार, तुम जब तक चाहो तब तक वहाँ रह सकती हो. थैंक यू एडविन. अरे क्या बात है यार, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? रिपोर्ट्स आ गए ना? हाँ, ऑल वेल, व्हाट आर यू वार्निंग फॉर? कमल, we need to talk. Is everything all right? I'm sorry to say, you are HIV positive. आपका कोरियर.
साइन कर दीजिए। नीचे वॉचमैन कह रहा था कि आपको एड्स है। I want to live one more day. The challenge of having AIDS is not dying of it, but living with it. I feel part of me leaving me every moment. फिर एक दिन धीरे धीरे सब खत्म. What am I going to do? Sit and wait for everything to finish? See it melting every second? Let this happen. I have decided to take control of things, and I'm not going to wait for my end. प्रीति, ये क्या बचपना है यार, तुम्हें पानी में जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने मना किया ना यार तुमको, कोल्ड हो जाएगा समझती हूं तुम। शिट, तुम्हारा माथा एकदम तप रहा है। We have to go to the doctor right now. चलो उठो, get up, चलो। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। क्या मतलब? मुझे कहीं और जाना है, एडविन। प्रीति, देखो बचपनों वाली बातें मत करो। हमारा डॉक्टर के यहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। किसी और को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। I don't believe this. इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो यार। हाँ, जो अब हो रहा है उससे बुरा तो कुछ भी नहीं था एडविन। मैं जा रही हूँ। प्रीति, प्रीति सुनो एक मिनट। प्रीति, प्रीति लिसन टू मी यार। प्रीति, दिस इज क्रेजी, कम ऑन लिसन टू मी। प्रीति, कौन है? दूध है साहेब। पैकेट वहीं रख दो, उठा लूंगा। अरे कहा ना, रख दो, उठा लूंगा। कैसे हो कमल? तो तुम्हें भी पता चल गया। बिल्डिंग के वॉचमैन तक को पता है, मुझे नहीं पता चलेगा। सो ही कॉल्ड यू? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता? We go to the same doctor, Kamal. तुम भी? ये सब क्यों हुआ प्रीति? बताओ। मैंने, मेरी गलती थी, मगर इतना बड़ा पश्चाताप, इतनी बड़ी सजा।
कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया प्रीति। And it's ending right in front of us. नहीं कमल, life never ends. हाँ, जिंदगी थोड़ी सी छोटी जरूर हो गई है, पर खत्म नहीं। Since you have come here for the new beginning. मैं चाहूं भी तो वो नहीं हो सकता, but at least we can make her end happy. वो तो हो सकता है ना, we need each other now like never before. Promise me one thing, Kamal. You'll never cry again. चलो अपना मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ।